पाकिस्तान और इंडो पाक के अंदर अताई डॉक्टर्स क्यों ज्यादा हैं, मेडिसिन कंपनियां हैं, किसकी बड़ी वजह? ये सेल्फ मेडिकेशन की, जो फार्मर खुद कर रहे हैं, अताई डॉक्टर्स बने हुए हैं। प्रिस्क्रिप्शन उर्दू में ऊपर ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है, ये इंजेक्शन किस लिए इस्तेमाल करें और इसकी डोज कितनी रहता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ ह्यूमन साइड पे। यार ये देखिए, ये मतलब एक इसमें ठीक है, इसमें भी उर्दू में लिखा जाता है, पाकिस्तानी चीजें हैं। इसमें कोई नहीं लिखा कि जी ये आप इतनी डोज रखें, इतना ये करें, इतना वो करें, कुछ नहीं। आज अगर इनका ब्रांड नेम चेंज कर दिया जाए तो पाकिस्तान में अताइयत नीचे गिर जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहसिन अली शिफा वेटरनरी क्लिनिक डालावाला से। आज हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर रोशनी डालने जा रहे हैं जो एक हॉट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है, खबरों में रहता है, बातों में रहता है, लेकिन उसके जो पीछे क्या वजूहात हैं उनके बारे में बहुत सारे लोग लाइलमी होती है, उनकी उनको इल्म नहीं है। तो इसके बारे में एक बड़ी वजह हम बताएंगे। टॉपिक आज का है हमारा, पाकिस्तान और इंडो पाक के अंदर अताई डॉक्टर्स क्यों ज्यादा हैं वेटरनरी के शोबे में। जो वेटरनरी का शोबा है, जानवरों के इलाज मुआलजे का शोबा है, इसके अंदर अताई डॉक्टर्स क्यों ज्यादा हैं, इस मुद्दे को लेके हम जो है वो हम आपको बहुत सी बातें अभी बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके मुतल्लक जो है वो बहुत सारे फेसबुक के ऊपर जो डीवीएम ग्रेजुएट्स हैं वो बातें करते नजर आते हैं कि ये फलां जो बंदा है वो अताई है, फलां बंदा भी अताई है। तो ये अताई कैसे बने, ये जो फार्मर्स हैं वो सेल्फ मेडिकेशन पे कैसे आए और कैसे ये एक चेन जो है वो चली, इसके ऊपर मैं अभी जो है वो एक बड़ी वजह हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि इसकी एक बड़ी वजह मेडिसिन कंपनियां हैं। किसकी बड़ी वजह? ये सेल्फ मेडिकेशन की, जो फार्मर खुद कर रहे हैं, अताई डॉक्टर्स बने हुए हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये मेडिसिन कंपनियां हैं जो मेडिसिन बनाती हैं। वो कैसे जी? ये देखें, ये जनरल मैं कुछ तीन चार एग्जांपल आपको जो है वो बताऊंगा। ये देखें, इंजेक्शन है जी, इंजेक्शन का इंग्लिश के अंदर नाम लिखा हुआ है, ठीक है जी, और उसके ऊपर उर्दू में भी नाम लिखा हुआ है, दूसरी बात आ गई, और सारी डिस्क्रिप्शन उर्दू में ऊपर ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है, ये इंजेक्शन किस लिए इस्तेमाल करें और इसकी डोज कितनी रखें। दो चीजें ये बता दी गई हैं हर बंदे को, जो ये बंदा देखेगा, जो स्टोर वाले देखेगा, जो फार्मर देखेगा, जो बंदा वेटरनरी का इलम नहीं रखता वो भी जब देखेगा तो वो इंजेक्शन को पढ़ के और उसके ऊपर लिखी जो डोज है वो पढ़ के वो इंजेक्शन लगा देगा। जी ये एक इंजेक्शन नहीं है, ये हर कंपनी जो है वो पाकिस्तान की मेडिसिन कंपनी हर कंपनी ऊपर मेंशन करती है उर्दू में, ठीक है जी। ये एक एग्जांपल होगी। ये देखिए सेलमोर कंपनी आ गई, बड़ी फेमस कंपनियां जो है, ठीक है जी, सारी कंपनियां उर्दू में डिस्क्रिप्शन देती हैं, तकरीबन सारी कंपनियां जो पाकिस्तानी है उर्दू में डिस्क्रिप्शन है और उसके ऊपर डोज रेट मेंशन है, ठीक है जी। ये चीज आप नोट कर लें कि ये मैंने एक दो और तीसरी, ये एक इम्पोर्टेड है, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तानी कंपनी इसको इंपोर्ट कर रही है तो वो भी उसके ऊपर उर्दू में उसका सारा जो है वो डिटेल, तो उसकी जो डोज रेट है, उसका जो डिटेल है, कब कब कैसे कैसे लगाएं वो मेंशन करवाती है, ठीक है जी। ये है पाकिस्तानी कंपनियां, ठीक है जी। और अब बात करते हैं कि पाकिस्तान से बाहर क्या हो रहा है। जो अमेरिकन है, स्वीडिश है, जो ऐसे मुल्क है जहां पे ये वेटरनरी की प्रैक्टिस हो रही है, पाकिस्तान से बाहर अच्छे जो यूरोपियन ममालिक है, क्या हो रहा है वहां पे ऐसे इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये एक इंजेक्शन है, ये देखिए इसके ऊपर
चूंकि ये पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुआ है इसलिए इसका नाम उर्दू में भी मेंशन किया गया है, नो डाउट। लेकिन इसके ऊपर ये देखें, ये इंग्लिश में मेंशन है चीजें, इसके ऊपर जो है वो इंग्लिश में चीजें सारी मेंशन है, उर्दू में कुछ भी लिखा नहीं गया है। इंग्लिश में सिर्फ वो बंदा पढ़ सकेगा जो क्वालिफाइड होगा, ठीक है। और असल चीज है कि ये देखें, जब इसको हम ओपन करेंगे, ये इंजेक्शन बाहर निकालेंगे, तो साथ में जो डायग्नोज कर रहा है, जो ट्रीट कर रहा है, जो प्रेस्क्राइबर है, जो डॉक्टर है, जो असल डॉक्टर, उसके लिए वो जो कंपनियां हैं जो यूरोपियन ममालिक में जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये देखें जी पूरा लीफलेट है, पूरा लीफलेट ये देखें आप देख सकते हैं, जिसके अंदर इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है, जो इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, डोजेज है, सारा कुछ दिया गया है। लेकिन इस लीफलेट को जो बंदा पढ़ सकेगा तो वो ट्रेड कर सकेगा, कोई नॉनसेंस बंदा, कोई ऐसा बंदा नहीं पढ़ सकेगा जो अताई है, उसको पढ़ना ही नहीं आएगा, उसको ये टर्मिनोलॉजी जो समझ नहीं आएगी। सिर्फ एक जो वेट होगा, एक जो ग्रेजुएटेड बंदा, आपने देखा कि जो यूरोपीय ममालिक में ट्रीटमेंट के हवाले से, इंजेक्शन के हवाले से जो ट्रेंड है, तो एक प्रेस्क्राइबर प्रेस्क्राइब करेगा और वो जो फार्मर है वो लेके आएगा, और इसके अंदर लीफ लेट होगा, ठीक है जी। वो सिर्फ पढ़ सकेगा जो क्वालिफाइड बंदा है, वो इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ सकता है, उर्दू में कुछ नहीं लिखा इसमें, ठीक है जी। तो ये चीज एक साइड पे आ गई। अब मैं जाता हूँ कंपैरिजन करता हूँ ह्यूमन साइड पे। यार ये देखिए, ये मतलब एक इसमें ठीक है, इसमें भी उर्दू में लिखा जाता है, पाकिस्तानी चीजें हैं, इसमें कोई नहीं लिखा कि जी ये आप इतनी डोज रखें, इतना ये करें, इतना वो करें, कुछ नहीं है। ह्यूमन साइड की बात कर रहा हूँ कि वो उसके अंदर क्या है जी, उसके अंदर भी एक लीफलेट होता है, ठीक है जी। ये दो तीन एग्जांपल के तौर पे मैंने चीजें दिखाई, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, इसके ऊपर कोई डोज नहीं लिखी, इसके ऊपर नाम लिखा है, उसके साथ लिखा हुआ कंपनी मेंशन है। लिहाजा ये देखें, ये पाकिस्तान की ये ह्यूमन साइड की मेडिसिन है और ये वेटरनरी साइड की मेडिसिन है, कितना बड़ा फर्क आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखें पूरी उर्दू में डिटेल लिखी हुई है कि ये निमोनिया में लगा लें, ये फलां मसला हो तो भी लगा लें, फलां मसला हो तब भी लगा लें, ठीक है जी। इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ आप कब लगाएं, कैसे लगाएं, क्यों लगाएं, ये डॉक्टर ने बताना है, और ये हर एक फार्मर को पता चल जाना है जब ये इसने परचेज करना है, ठीक है जी। अच्छा मसला ये नहीं है कि उसको पता लग क्यों गया है, मैं आगे आपको डिटेल बताता हूँ। ये देखिए, ये एक इंजेक्शन, मैं सेट्रोक्सोन सोडियम का एक इंजेक्शन आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसके अंदर भी लीफलेट है। ये ह्यूमन साइड की मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ये देखिए ये लीफलेट कोई भी आम बंदा नहीं पढ़ सकता, आम बंदे की अप्रोच से ये बाहर है ये टर्मिनोलॉजी और इसको समझना, ठीक है जी। तो ये चीज जो है वो फॉलो की जाए वेटरनरी प्रैक्टिस के अंदर भी, तो जो क्वैकरी है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसकी छोटी सी और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। थोड़े दिन पहले एक बंदा आया मेरे पास, तो मैंने वो मुझे कहता जी मैट्रम चाहिए, वो अताई बंदा था और रेट के ऊपर जो थी वो बहस हो रही थी, इसका रेट कम करे, ये जी इंजेक्शन है मेलोक्सिकैम, मैट्रम इसका नाम है, 20% मेलोक्सिकैम इसके अंदर है, ठीक है जी। रेट की वजह से मैंने उसको रिकमेंड कर दिया कि ये ले रहे आप, मेलोक्सन है वो भी 20%, मेलोक्सिकैम है इसका रेट जो है वो कम है। वो कहता जी इन दोनों में फर्क क्या है, उसको नहीं पता क्या फर्क है। मैंने कहा जी बिल्कुल सेम है, कंपनी का डिफरेंस है। तो जब उसको पूरा समझाया कि यार ये भी वही साल्ट है, तो फिर वो लेके गया कि यार ये तो वाकई सस्ता पड़ रहा है तो मैं ये ले जाता हूँ। यानी कि उसको इस बात से लेना देना नहीं है कि इसमें है क्या, उसका नाम इम्पोर्टेंट है कि जी मुझे मैट्रम चाहिए, मुझे फलां कंपनी का एक इंजेक्शन का नाम आता है वो ही चाहिए, और उसको कुछ नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको बस ये जी लगाना है, ठीक है जी। ये एक अताइयत का, अताई डॉक्टरों का लेवल आपको बता रहा हूँ, एक जनरल जो मैंने आपको डिस्कशन बताई है, चीजें बताई हैं जिन
चीजों से मैंने पर्दाफाश किया आपके सामने, उसका एक मकसद, एक तो ये हॉट टॉपिक है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि अताई डॉक्टर से क्यों ज्यादा, उसकी एक बड़ी वजह मैंने आपको बता दी है कि देखिए जब हम ये कंपनियां खुद ही बताएंगी कि ऐसे करें तो वो करेंगे, लोग क्यों नहीं करेंगे, कौन पीछे हटेगा। दूसरा नंबर आता है कि देखिए इसके ऊपर ठीक है वो लिखा हुआ है, लेकिन ये हर दफा वो उस काम के लिए नहीं होगी, इसके और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। लोग सिर्फ डायग्नोसिस को बाईपास करते हुए थेरापूटिक रिस्पॉन्स पे चले जाते हैं। वो क्या होता है कि इंजेक्शन लगा के देखते हैं क्या इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। वो अताई डॉक्टर का काम क्या है कि ये 10 जगह लगाएंगे तो देख लेंगे यार इसमें ये बेहतर आया है, तो ये फिर उस बेहतर में इस्तेमाल शुरू कर लेंगे। हालांकि हो सकता है वो नेक्स्ट जो एनिमल है वो उसको ये मुवाफक ना आए, उसको ये नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो 10 जानवरों में लगा के ये चेक करेंगे कि यार ये इसका रिजल्ट आता है कि नहीं आता। यानी कि थेरापूटिक रिस्पॉन्स जो डायग्नोसिस है उसको बाईपास कर देना, उसका नहीं पता, ठीक है जी। तो मकसद बात करने का सारा ये है कि हमारी इल्तजा है कि ये जो सही तरीका कार है मेडिसिन जो सेल आउट होने का, मेडिसिन के हवाले से जो सही तरीका कार है, जैसे ह्यूमन साइड की सेल हो रही है कि प्रेस्क्राइब होती है और फिर सेल होती है, आज अगर इनका ब्रांड नेम चेंज कर दिया जाए तो पाकिस्तान में अताइयत नीचे गिर जाएगी। ये आपको फैक्ट बता रहे हैं कि जो कंपनीज के ब्रांड नेम सिर्फ चेंज कर दें तो उनको समझ नहीं आएगी कि यार ये क्या है, किस लिए इस्तेमाल करेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है जी। आज का ये टॉपिक जो है वो हमने अपने लिहाज से आपको राय के तौर पे समझाने के लिए एक कोशिश की है, तो उम्मीद है आप जो है वो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ऐसी बड़ी वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अताई डॉक्टर से बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो मज़ीद हमारी वेटरनरी के हवाले से मालूमती वीडियोज़ जो है वो आती रहती हैं। अगर आप वेटरनरी की वीडियोज़ देखना चाहते हैं मज़ीद, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।